निकले अपना स्टाफ से, नर्सरी स्टाफ यहाँ रहेगा, बाकी स्टाफ अपनी ड्यूटी। तो वहाँ लोगों ने कहा फलानी जगह नौ तोड़ हो गया, वहाँ लोगों ने सो जो कि हमारे जैन के से हैं, आप खुद देखिए कुछ इसमें गायब हो गए लोगों को। आपको ये जहनी पॉइंट दे, चाहे वो सरपंच हो, बीडीसी चेयरमैन हो, डीडीसी में, मीटिंग हुई यहाँ पे, इन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए और स्टाफ भी था, हमारे लोग भी थे सारे। तो आज दिन भर हम जगह जगह जाके इन लोगों के साथ मिल रहे हैं और मकसद ये है कि जो हम लोगों का प्लांटेशन प्रोग्राम है, सजय कारी का जो हमारा कार्यक्रम है, सर्दियों में शुरू होगा, उसको हम अच्छे से प्लान करें। अच्छे से प्लान करने का मेरा मतलब ये है कि गांव के लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्या चाहते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो इन नुमाइंदों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके की, कहाँ प्लांटेशंस होनी चाहिए, कौन कौन से स्पीसीज उसमें लगने चाहिए, पॉपुलर लगना चाहिए, कायल कहाँ लगना चाहिए, दूसरे और क्या क्या ज़रूरियात हैं लोगों की, ये सारा एक माइक्रो प्लान जो है वो हम इन लोगों के साथ बनाएं। यही हमारा एक बुनियादी मकसद था इनके साथ यहाँ पर आने का। और दूसरा ये है कि आप जानते हैं कि जो अब नए रूल्स नाफिज हुए हैं, इसमें पंचायतों का बहुत एक रोल है, जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, तो प्लांटेशन जो होंगी, प्लांटेशन के बाद उनकी जो हिफाजत कर रही है, प्रोटेक्शन, उनकी फ़ाइनल हार्वेस्टिंग, इन सब में इन्हीं का रोल है। जो रेजोल्यूशंस होंगे पंचायतों के, जो हमारे विलेज प्लांटेशन कमेटीज़ के रेजोल्यूशन होंगे, उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे। थैंक यू सर। और हार्वेस्टिंग आप देखते हैं कि अभी पिछले दिनों में आप देखते हैं गाँव में इस तरीके के हम लोग लाइव असेट तैयार कर रहे हैं प्लांटेशन के, कि जो खाली ज़मीनें हैं, जो विलेज कॉमन लैंड्स हैं, मुश्तरका ज़मीनें जिनको कहते हैं, स्टेट लैंड्स हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर अगर हम प्लांटेशंस रेज करें, 7-8-10 साल में वो प्लांटेशंस बड़ी हो जाती हैं, उनको हम नीलाम करते हैं, ऑक्शन करते हैं, और उसका जो 75% शेयर आता है वो विलेज फंड में जाता है। तो विलेज फंड जो है वो पंचायतें जो हैं वो अपने अनुसार उसको डिसाइड करती हैं, जो विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज़ हैं, कहाँ वो पैसा लगेगा, क्या और प्लांटेशन रेज करेंगे हम लोग, या स्कूल की मरम्मत करेंगे, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड।